ले लीजिए। आपको चाहिए? नो थैंक यू। पिंकू कैसा गाना लगा दिया डॉक्टर साहब, ये सुनने से अच्छा है जरा बाहर का नजारा देख लेते हैं। सर अंदर कीजिए अपना, बाहर की धूल अंदर आ रही है। डॉक्टर साहब ये गाना भी ना बिल्कुल आप ही की तरह है, एकदम फीका। क्यों पसंद नहीं आया आपको? मुझे लगा कि क्या लगा कि हम बुढ़ापे में अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं का? इतना सुस्त गाना लगा है कि सुन के ही नींद आ रही है हमको, ऐसे जाएंगे कहां हम बलिया? डॉक्टर साहब बहन सही कह रही है, ये गाने में तो हमको भी मजा नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? सही तो है। सही है? क्या बोल रहा? सारी सारी आप जरा हमार शकल देखिए, हाँ अब ध्यान से ये गाना को सुनिए। क्या आपको लगता है कि हमको ये गाना पसंद आएगा? सफर शुरू हुआ नहीं लेकिन अब ड्रामा शुरू हो गया, चलने दीजिए जो चल रहा है। अरे हमको चलना नहीं दौड़ना पसंद है, अब गाने में थोड़ी फीलिंग होनी चाहिए, थोड़ा जोश होना चाहिए। हाँ जब तक आग नहीं लगेगा, नाचने का मन नहीं करेगा, तब तक गाना ही कैसा। एक काम करते हैं इतार आप हमको दीजिए, आप हम मचाएंगे भौकाल। मच गया भौकाल। अरे गाड़ी जरा आराम से चलाइए। रुक पिंकुआ, अब बजाते हैं हमार वाला गाना। पीछे बैठिए, बोला था ना आपको मैंने। अरे डॉक्टर साहब काहे मुंह लटका रहे हैं आप? 750 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, वापिस भी तो आना है। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। पिंकू पिंकू बैठिए। नहीं पिंकू, अरे पिंकू ये क्या कर रहे हैं आप? मिर्ची लगी तो हम का करे? Excuse me, मिर्ची क्या कर रही हैं आप? अंताक्षरी खेल रहे हैं। तुझको मिर्ची लगी तो हम का करे? र र से कुछ गा। र रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय रुक 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 रुक। डॉक्टर साहब के सामने ये सब नहीं ठीक है। अच्छा हम कहाँ रुके थे? कब पे? अच्छा डॉक्टर साहब कहाँ से कुछ गा दीजिए। सॉरी व्हाट? मैं I'm a doctor. ये सब गाने वाने गाने नहीं आते मुझे। ओए तो हम कह रहे हैं आप डॉक्टर हैं, कोनो मरीज नहीं, कभी तो मुस्कुरा दीजिए जीवन में। बेवजह मुस्कुराने की आदत नहीं है मुझे। I'm driving. अगर फोकस नहीं किया तो एक्सीडेंट हो सकता है। अरे हमेशा ऐसी अशुभ बातें काहे करते हैं आप? आपके अस्पताल में धंधा कमजोर है का जो और भी मरीज भरवाने हैं? हमेशा डराते रहते हैं आप। सच तो कह रहा हूं मैं,
सच तो ये है कि जिस काम के लिए हम सब जा रहे हैं ना, और खास करके आप, वो बहुत ही चौचक काम है। हमार बाऊजी हमसे हमेशा कहते हैं, जब नियत अच्छी हो तो कर्म के फल भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो घबराइए मत, मजे से चलिए, कौनो गड़बड़ नहीं होगा। हो गई गड़बड़। हाँ पुड़बक। अरे बाप रे, ये तो हम तो फंस गए बहन। ये टायर तो फूस हो गया, और वो भी बीच रास्ते में। बहन तूने सही कहा था, हमें बस से ही आना चाहिए था। अरे चिंता मत कर पिंकुआ, हम है ना तोहार संग, कुछ ना कुछ कर लेंगे। गेम्स खेलना अच्छा लगता है आपको, तो लीजिए आप इससे खेलिए, टायर का काम हम कर देते हैं। साची गजब जीजा, माफी, थैंक यू डॉक्टर साहब। आप उधर बैठ के खेल लीजिए, हम टायर रिपेयर कर देते हैं। कैसे डॉक्टर हैं आप, छोटे बच्चे को इस तरह बिगाड़ते हुए शर्म नहीं आती आपको? हमारे पिंकू क्या कमजोर हो गए? तो जैसे अभी आपने कार में कहा कि रास्ता लंबा है, अब इस लंबे सफर में कोई एक तो खुश रहे। अब चलिए टायर चेंज करने में मदद कीजिए मेरी। रानी सिंह फ्रॉम बलिया ड्यूटी पे हाजिर है डॉक्टर साहब। नौटंकी। नौटंकी? क्या हुआ? अभी अभी तो घर से निकले थे, कुछ ही देर में देखिए ना क्या हाल हो गया, अनर्थ हो गया डॉक्टर साहब। हुआ क्या बताएंगी आप? ये देखिए, हमारे कपड़े में कालिक लग गया है। अब का लगा, कैसे लगा, काहे लगा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। इतने के लिए इतना चिल्ला रही हैं आप, दिमाग खराब? देखिए सिर्फ काला रंग लगा है, थोड़ी देर में गांव पहुंच जाएंगे, धो लीजिएगा। हम बिना जाने किसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर साहब हमको ये तोहफा राजमाता दी थी, आप तो जानते हैं ना हमको साड़ी पहनने में कितना दिक्कत होता है, इसमें राजमाता जी का प्यार है, उनका आशीर्वाद, उनका दुलार है। हम तो सोचे थे बलिया से वापिस आते वक्त भी इसे पहनकर आएंगे, अब क्या करें हम? रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए।
अगर ये दाग छूटा नहीं तो हम राजमाता जी को कहाँ कहेंगे, उनके सामने वापस कैसे पहनेंगे? क्या करें हम? कहानी थी, आप भावुक काहे हो गए? चलिए जाना है हमको। वो आपके हाथ पे कुछ लग गया। ये क्या किया आपने? अब आप ही साफ साफ कर देते हैं। रहने दीजिए आप। रही आप, अपने दुपट्टे का बदला मुझसे ले रही हैं आप? नहीं नहीं, वो गलती से सारी सारी अपने चेहरे पर भी लगा लिया आपने, कुछ नहीं हो सकता आपका। आसपास कोई रेस्टोरेंट ढूंढता हूं, अपना चेहरा भी धो लीजिएगा और पिंकू को भूख भी लगी होगी। अरे डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा, हम शहर से बहुत दूर आ गए हैं, अब सिर्फ पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं ले सकते ना, दो ही दिन में शहर वापस जाना है, बुझे? अरे तो फिर परेशान हो गए? अच्छा भूख ही लगी है ना, हम खिलवाते हैं आपको कुछ, एक मिनट। देखिए भैया जी का ढाबा, हम वहाँ खाएंगे। जी बिल्कुल, करारी तंदूरी रोटी, मक्खन मार के माँ की दाल और मसालेदार भिंडी, वाह वाह मजा आ जाएगा, चलिए ना। एक कार में चलते हैं, चलिए पिंकू। जोर से लगी है, इधर हमारा सकल काला हो रखा है और एक मिनट रुक नहीं पा रहा। ओ रहा महिला शौचालय, बगल में पुरुष का भी होगा। डॉक्टर साहब आप कहीं बैठ जाइए, हम अभी आते हैं। टिश्यू पेपर है साफ करने के लिए? ये लीजिए, पूछ लीजिए। नो नो थैंक यू, मैं रुमाल से साफ कर लूंगा। यहाँ बैठना है? जी बिल्कुल, खुल के बैठिए। अरे ये खटिया ही है, कोनो दलदल नहीं, बैठिए ना आराम से। क्या हुआ, सब ठीक? हाँ ठीक है। बैठिए ना, ऐसे तो पैर ऐसे रख लीजिए। बढ़िया, क्या लेकर आऊं आपके लिए? चना दाल, मक्की दाल, दाल तड़का, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर या जीरा मार के सादा पनीर? बोल पिंकू क्या चाहिए? भैया चाउमीन मिलेगी और तीखी चटनी के साथ। हाँ, और आपका?
भैया इनका ऑर्डर हम देते हैं। सबसे पहले टमाटर और हरी मिर्च का तड़का वाला आलू मटर, बिना जीरा के छौंका मूंग दाल। जीरा इनको पसंद ना है ना। उसके बाद दो तंदूरी रोटी दीजिएगा, मक्खन अलग से, वो अपने हिसाब से लगा लेंगे। और हाँ, लाल मिर्च का पराठा, वो उनको बहुत ही पसंद है। सलाद में गाजर, खीरा और थोड़ा सा मूली। अलग से हरी मिर्च और नींबू दे दीजिएगा, और नमक एक तो कटोरी में दे देना, वो अपने हिसाब से ले लेंगे। और हाँ, मीठे में ऑरेंज कैंडी, वो उनको बहुत ही पसंद है। हो गया। ओ भैया सुनिए, ढाबे वाले थाली में खाना मत दीजिएगा। वो जो अलग से आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, डिस्पोजेबल बर्तन, उमा दीजिए। ई बाहर का थाली में ना ही खा सकते हैं। ठीक है। और आपका ऑर्डर बहन जी? इनका जो चौमीन है ना, उसका 1/2 कर दीजिए, और हमारे में मसाला तेज होना चाहिए। लेके आते हैं बहन, हम लॉलीपॉप लेके आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। दादी साहब का फोन है। कमा घणी दादी साहब? घणी कमा बेटा, सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल। यो ब्रो, कैसी चल रही है, मजे आ रहे हैं? अरे काहे का मजा विक्रम साहब, इतनी जल्दी तो हमार सूरती देवी भी खेत में ना ही थकती। जितनी जल्दी इनकी गाड़ी के पहिए का सांस फेल हो गया, पिचक के सड़क से ऐसे चिपकते बैठी जैसे जन्म जन्म का रिश्ता हो। मतलब गाड़ी का टायर पंचर हो गया क्या? हाँ वही तो हुआ, लेकिन सच कहता तो हमको मजा भी बहुत आया। हम तो रास्ते में अंताक्षरी भी खेल रहे थे। लेकिन आपके जो बड़े भैया है ना, वो एक तो गाना नहीं गाए, बहुत ही शर्माते हैं। अरे बहुरानी जी, आज आपकी मांग सुनी क्यों है? आपने सिंदूर नहीं लगाया। रजावत परिवार की बहू इस तरह वापस अपने घर नहीं जा सकती, यहाँ तो सब सच जानते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह वापस घर गए ना, तो सवाल उठेंगे। जी राजमाता जी, हम लगा लेंगे। नहीं नहीं, अभी लगा लीजिए, हम दोबारा कॉल करेंगे। और वीर, आप भी ध्यान रखिएगा। और बहुरानी, भूलिएगा मत जी। चलो रखते हैं। हाँ बाय भाभी साहब। जय माता रानी। बाय। ये मेरी धर्म पत्नी है, रानी वीर प्रताप रजावत। मेरी जिंदगी में, मेरे कमरे में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये फोन पकड़ेंगे जरा आप, इसमें से देख के लगा लेंगे।